Now we are going to discuss an issue regarding, let us assume करो जो आपने हमने इस कोर्सवेयर में प्रोजेक्ट लर्न किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक लिटिल सा इशू है, और इस इशू को चेकआउट करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इशू क्या है। सी, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, जो हम यहाँ नेटबीन्स में से ओपन करते हैं, रन करते हैं, इट्स एग्जीक्यूटेड, इट शो माई इमेजेस सक्सेसफुली, एंड मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ, और एडमिन से लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन में जाता हूँ, इट शो मी सक्सेसफुली, ये मुझे इमेज भी शो कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बट अब यही सेम प्रोजेक्ट जब मैं फिजिकल लोकेशन में मैंने इसे डिप्लॉय किया था, डिप्लॉय करने के बाद एक डिस्क नाम का फोल्डर बना, और अगर मैं यहाँ प्रोजेक्ट जावा करूँ, लेट्स सी, इट्स आल्सो वर्क स्मूथ, इट शो मी इमेजेस, बट एज आई रन इट एंड आई एग्जीक्यूट व्यू प्रोडक्ट डिटेल, इट विल डोंट डिस्प्ले मी एनीथिंग, और ये यहाँ पर इमेज मुझे नहीं दिखा पा रहा। तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट और हाउ टू मैनेज दैट थिंग। सी, नेटबीन्स में प्रोजेक्ट बनाना और उसे फाइनली डिप्लॉय करना, दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो सी, हुआ क्या है, आप लॉग्स में हो, लॉग्स में एरर में देखोगे तो यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअल में ये आइकन्स डॉट नो पिक डॉट जे पी जी कैप्चर नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में वट विल बी हैपन, आई विल शो यू। हमने जो कोड किया था, ये इसमें हम सीधा, क्योंकि जो इशू आ रहा है व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है, उस इशू को हम रिजॉल्व करते हैं। मैं व्यू प्रोडक्ट्स में जाता हूँ और आई विल शो यू वट वी डन। मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हुए फाइल सिस्टम में ये फाइल को ओपन किया। अब ये फाइल ओपन होने से नुकसान क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो वी डू वन थिंग, आप जब यहाँ पर इमेज को यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर ये वाला कोड ना लगाएं। ठीक, तो मैंने कमेंट आउट किया और मैंने यहाँ लिख दिया आइकन स्लैश न्यू इमेज आइकन लिया, और आइकन को मैंने यहाँ पर, अब ये गेट क्लास, ये जो गेट क्लास वाला फंक्शन है, जब आप फिजिकल पाथ में जाते हो तो जितनी भी इमेजेस आपकी हैं ये जार फाइल के अंदर सेव है। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड एड ऑन कर दिया, जैसे एक लिटिल सा चेंज किया, आई एग्जीक्यूट इट, चेक दिस आउट, काम करता है या नहीं करता, और चेक करते हैं। हल्का सा चेंज किया, और वो इशू इसलिए आता है जब जार फाइल के अंदर ये पिक्चर्स होती हैं तो उसके पाथ को वो लोकेट नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने यहाँ गेट फाइल नाम का फंक्शन लिया था, वो फिजिकल पाथ दिखा रहा है। फिलहाल ये कोई इशू नहीं दे रहा मुझे, लेकिन मैं इसे बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद क्लीन एंड बिल्ड किया, दोबारा से मैं वो जनरेट करूँगा जो क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन में बनती हैं, एंड देन गो टू डिस्ट और आई कॉपी दिस टू फाइल्स, और जहाँ आप रखना चाहते हो, जैसे मैंने डिप्लॉयमेंट फोल्डर में रखा है, और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। आई रिप्लेस ऑल द फाइल, अगेन एग्जीक्यूट इट, एंड लेट्स सी, इट्स शोइंग मी दैट पिक्चर्स आर नॉट। लॉगिन किया, ओके किया, गो टू प्रोडक्ट ऑपरेशन, व्यू किया, नाउ इट शो मी द पिक्चर्स। तो दिस इज द वे वी कैन कंस्ट्रक्ट आवर प्रोजेक्ट, और दिस इज़ आर लास्ट सेशन टू अबाउट प्रोजेक्ट, एंड आई डिस्कस एन इशू विद यू गाइज। सो कीप कोडिंग एंड गुड डे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दैट।